हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं करने वाली हूँ इस छोटे से पैकेट का अनबॉक्सिंग, और ये मुझे लगता है ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है और बड़ा धमाका होने वाला है इस अनबॉक्सिंग से, क्योंकि सही में मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोडक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है MI कॉम्पैक्ट ब्लूटूथ स्पीकर 2। ये एक कॉम्पैक्ट स्पीकर है MI की तरफ से, और इसकी प्राइस है 799, और ये 800 रुपये में बहुत ही मुझे अच्छा लगा, वर्थ बाइंग लगा, अंडर 800 रुपीज़ है। इसकी साउंड क्वालिटी भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और दोस्तों इसमें बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये स्पीकर मिलता है और ये स्ट्रैप मिलता है, USB केबल हमें नहीं मिलता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं लगी मुझे, क्योंकि USB केबल हमारे पास रहता ही है, और 800 रुपीज़ की प्राइस में हमें इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। दोस्तों इसकी बैटरी लाइफ के बारे में अगर बात करूँ तो बैटरी लाइफ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी इम्प्रेसिव लगी। तो बैटरी कैपेसिटी इसकी हमें मिलती है 480 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, और 6 to 7 hours कंटिन्यूसली अगर आप इसको प्ले करते हो म्यूज़िक, वो भी 80% वॉल्यूम पे, तो काफ़ी मतलब 6 to 7 hour तक आपको बहुत ही अच्छा इसका बैकअप जो है बैटरी का वो मिलता है। इसके साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और अगर डिज़ाइन की हम अगर बात करें तो डिज़ाइन हमें कुछ इस तरह का मिलता है इसका। यहाँ पर आगे की तरफ हमें स्पीकर के जो ग्रिल्स है वो देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर MI का जो लोगो है वो देखने को मिलता है, और पीछे की तरफ हमें एक बटन देखने को मिलता है ऑन और ऑफ का। उसे प्रेस करने पर यहाँ पर जो है वो हमें पावर ऑन का साउंड सुनाई देता है, और लाइट जो है यहाँ पर ब्लू ब्लिंक होती है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर लेते हो अपने ब्लूटूथ से तो ये लाइट जो है वो स्टेबल हो जाती है। और दोस्तों हमें कॉल अगर रिसीव करना हो या फिर कट करना हो तो इसी का यूज करना है, हमें कॉल को रिसीव और कट भी हम इसी बटन से कर सकते हैं। और अगर कॉल को आपको डिक्लाइन करना हो तो इसे 1 सेकंड के लिए प्रेस करने पर ये कॉल भी डिक्लाइन कर देता है, और बात भी आप इससे करते हो। यहाँ पर माइक्रोफोन भी हमें मिलता है तो आप इससे बात भी कर सकते हो। इसका वेट की अगर बात करें तो वेट 50 ग्राम है, सिर्फ एक पाम में आराम से आ जाता है, और सिर्फ 50 ग्राम इसका वेट है तो मुझे बहुत ही लाइट वेट लगा। और इसके साउंड की तो आप बात पूछिए ही मत, मैंने इसको बहुत अच्छे से प्ले किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका साउंड क्वालिटी। यहाँ पर हमें USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, और दोस्तों ये स्पीकर जो है वो एक पावर सेविंग मोड के साथ भी आता है। अगर 10 मिनट्स के अंदर आप इसको कनेक्ट नहीं करते हो या फिर कनेक्शन हो आपका कनेक्टेड हो आपके फ़ोन के साथ लेकिन आप म्यूज़िक प्ले ना करते हो तो 10 मिनट के अंदर अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये एक पावर सेविंग मोड भी इसका काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ब्लूटूथ वर्जन दोस्तों इसके अंदर हमें मिल जाता है, 4.2 ब्लूटूथ वर्जन के साथ आता है ये। बाकी बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये स्पीकर, एकदम लाइट वेट है और डिज़ाइन के मामले में मुझे एक बहुत ही बढ़िया ये स्पीकर लगा। चलिए दोस्तों अब इसको पेयर कर लेते हैं अपने डिवाइस के साथ और म्यूजिक प्ले करके देखते हैं। प्रोसेस इसका काफ़ी सिंपल है ब्लूटूथ के साथ पेयर करने का। यहाँ पर हमें इसका नाम दिखाई देता है MI ब्लूटूथ, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है और ये अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है। साउंड क्वालिटी आप लोगों ने सुनी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी इसकी साउंड क्वालिटी, और फुल वॉल्यूम करने पर भी डिस्टॉर्शन जैसा मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ इस पर। और इसको जब प्ले करते हैं तब इसमें म्यूज़िक बजता है तब बहुत ही अच्छा है, इसमें वाइब्रेशन जो फील है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वोकल्स भी काफ़ी अच्छे लगे, एकदम क्लियर साउंड था, कभी कहीं भी वॉइस फट रही है ऐसा मुझे फीलिंग नहीं आया इसको यूज़ करने पर। काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट और बहुत ही अच्छा वर्थ बाइंग लगा मुझे, एंड ट्रस्ट मी गाइज आई एम रियली अमेज्ड बाय इट्स साउंड क्वालिटी, रियली अमेजिंग। सो गाइज ये था इसका अनबॉक्सिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।